धार जिले के पीथमपुर नगरीय क्षेत्र में 60 घंटे के लॉकडाउन के तहत अब तक खबर लिखे जाने तक औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर नंबर 1, 2, 3 मुकम्मल बंद रहा। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में काम चालू होने से मजदूरों और मजदूरों को लाने ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही चालू रही, जबकि व्यापार व्यवसाय के सारे प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहे। क्षेत्र की देसी और अंग्रेजी मदिरा की दुकानें भी पूरी तरह बंद रही। वहीं शराबियों के लिए यूं तो कई चोर दरवाजे हैं जहां से उन्हें मदिरा उपलब्ध हो सकती है, लेकिन पीथमपुर चौपाटी के नाम से आवंटित अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान से खुले आम शासन के लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देसी और अंग्रेजी मदिरा की दुकान धड़ल्ले से चलाई जाना समझ से परे है कि इंदौर शहर के निगम इंदौर जिला महू कोरोना के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं शराब की दुकान को ग्रामीण क्षेत्र का हवाला देते हुए बेखौफ शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुले आम शराब बेची जाती रही। यही नहीं, दुकान से बोरी और अन्य पैकिंग में थोक शराब अन्य स्थानों को पहुँचाई जाती रही। खासकर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में धार जिले की दुकानें बंद रखने का कोई औचित्य नहीं रहा। चौपाटी स्थित दुकान से बड़ी आसानी से पीथमपुर क्षेत्र में शराब धड़ल्ले से पहुंचाई जाती रही। पीथमपुर से संजय सोंगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।